एक बार सरोवर के किनारे मुर्गा और पप्पी में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। पप्पी खुशी के मारे उछल रहा था, तभी पप्पी ने मुर्गा से कहा, क्यों ना दोस्त, अपन तुम दोनों जने घूमने चलते हैं। अरे क्यों नहीं, जरूर चलूंगा घूमने पप्पी। तभी वहां से वे दोनों वन को घूमने के लिए चले जाते हैं। अरे पप्पी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अरे ठीक है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। तभी वे दोनों घने जंगलों में एक कबूत पर आ जाते हैं। अरे पप्पी भैया, रात बहुत हो गई है, ऐसा करो तुम यहाँ नीचे सो जाना, मैं पेड़ के ऊपर सो जाता हूँ, जब सुबह होगी तो यहाँ से निकल चलेंगे। अरे मुर्गा भैया, मेरे होते हुए तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बेखटक सोना। तभी मुर्गा पेड़ पर जाकर सो जाता है और पप्पी इधर लकड़ी के काठ पर सो जाता है। रात बढ़ती गई, जैसे ही सुबह 4 बजे का टाइम हुआ, तभी मुर्गा भाग देने लगा। तभी यह आवाज लोमड़ी के कानों में पड़ी। लोमड़ी ने सोचा, अरे ये आवाज कैसी है, मुझे लगता यहाँ पर मुर्गा आ गया है। अरे मेरे मुंह में तो पानी भी आने लगा, ऐसा करते हैं चलकर देखते हैं। फिर मोर ने देखा, तभी अरे ये तो लोमड़ी आ रही है। मेरे प्यारे मुर्गे भाई, क्या तुम गाते हो, तुम्हारी आवाज में तो कितना मधुरता झलकती है, तुम नीचे आकर मुझे भी गाना सुनाओ थोड़ा, मैं तुम्हें छावासी देना चाहता हूँ। तभी मुर्गा समझ गया था कि यह लोमड़ी मेरा शिकार करना चाहती है। अरे लोमड़ी बहन, माफ करो मुझे, मैं नीचे नहीं आ सकता। तुम नीचे क्यों नहीं आ सकती? अरे बहन, हमारे सिंघानिया साहब अभी सोए हुए हैं, वो जब तक नहीं जगेंगे तब तक मैं नीचे नहीं आऊंगी। तभी लालची लोमड़ी ने कहा, मैं उन्हें अभी जगा देता हूँ। तभी पप्पी जाग गया और जैसे ही उसने लोमड़ी को देखा और वहाँ जोर जोर से भौंकने लगा। लोमड़ी ने सोचा कि गलती हो गई, जो मैंने इसे जगा दिया, अब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगी। तभी लोमड़ी पप्पी को देखकर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। आज देखा मेरे मित्रों, दोस्त हो तो ऐसा जो हर मुसीबत में आपके साथ हो, आपका साथ दे। देखा मेरे मित्रों, मित्र की परख तो हमेशा मुसीबत में होती है, वो मित्र क्या जो मित्र के काम ना आए। थैंक यू, प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।